वेलकम टू आर के कंस्ट्रक्शन। आर के कंस्ट्रक्शन आपका आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग बात करेंगे रिइंफोर्समेंट की, शटरिंग की और साथ के साथ कॉलम की। तो आप ये देख रहे हैं ये स्लैब है जिसकी कास्टिंग होने वाली है और साथ के साथ इसमें जो है हम लोग ने रिइंफोर्समेंट कर रखी है और बिजली के तार भी हम लोग ने एम्बेड कर रखे हैं। तो चलिए बात करते हैं इन सब चीज़ों की। तो ये हमारा एक स्लैब का स्पैन है जहाँ पे हम लोग ने ये बीम दे रखी है। बीम के साथ हम लोग ने जो है स्लैब में रिइंफोर्समेंट फंसा रखी, स्लैब की रिइंफोर्समेंट की। तो इसमें क्या है, हम लोग ने क्रैंक दे रखे हैं। ये आप देख रहे हैं ये आपके क्रैंक हैं। क्रैंक का मेन पर्पस जो है वो स्लैब को नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होने से बचाता है। तो ये क्रैंक हम लोग को कितना रखना चाहिए, तो L/4 है फॉर्मूले के हिसाब से। L/4 हम लोग को क्रैंक रखना चाहिए हर एक स्लैब के एरिया में। अब हाजमी बीम भी इसमें लगती है अगर हम लोग का स्पैन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। जैसे ये वाला हम लोग का जो है स्पैन थोड़ा ज़्यादा बड़ा था तो इसमें हम लोग ने एक हिडन बीम रखी है। ये होती है हमारी लटक बीम और ये होती है हमारी हाजमी बीम, है ना। तो इसको इन्वर्टेड बीम भी कहते हैं, हिडन बीम भी कहते हैं। तो ये हम लोग का हिडन बीम जो कि स्लैब के अंदर ही जो है कास्ट हो जाता है लेकिन मजबूती बहुत ज़्यादा देता है एज अ बीम की तरह। और जो हम लोग सपोर्ट किए हैं किनारे से सेंटर में उस तरफ भी सपोर्ट दिए हुए हैं। ये वाला एरिया हमारा स्लैब रिइंफोर्समेंट है जो कि हमारा जीने के लिए जा रहा है। कास्टिंग होगी स्टेयर्स की, उसके बाद हम लोग बात करें कवर ब्लॉक की। तो ये देखिए हम लोग ने कवर ब्लॉक लगा रखे हैं, हर जगह कवर ब्लॉक लगा रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि सरिया जो है डाउन टच नहीं होगी और नीचे की तरफ दिखाई नहीं देगी, उसको पूरा नॉमिनल कवर मिल जाएगा इसका। और उसके वजह से जो है मेन कवर का जो बात होती है, सबसे पहली बात तो अंदर सरिये के अंदर रहता है उससे नहीं होगा, उसका स्ट्रेंथ भी अच्छी पकड़ता है, पूरी पूरी ऊपर नीचे हर जगह से सरिया पकड़ता है। फिर उसके बाद बात किया जाए बीम में, तो बीम की भी कवर दे रखी है स्लैब की भी। स्लैब में 25 mm दिया जाता है और बीम में हम लोग 40 mm देते हैं। स्पेसिंग इस सरिया की बात की जाए इसकी, तो हम लोग ने 5 और 6 का स्पेसिंग ले रखा है, 5 इंची और 6 इंची का स्पेसिंग ले रखा है। आप इधर देखेंगे इधर 4x4 की है, तो उस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं हर स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को करते हुए। इधर की तरफ मेन बार जा रही है, इस तरफ डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रही है, तो हम लोग हर जगह हर स्लैब में क्रैंक दिए हैं। आप देखिए हर स्लैब में क्रैंक दिए हैं चारों तरफ से और साथ के साथ जो है रिइंफोर्समेंट हुआ है। इसके बाद हम लोग अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो देखिए ओवरलैपिंग हम लोग ने कॉलम के ऊपर दी है, जिससे कि आप देख रहे होंगे ध्यान से कॉलम के ऊपर ओवरलैपिंग हो रखा है। और इसका जो फॉर्मूला है 50D है, तो हम लोग ने 16 mm की रिइंफोर्समेंट लगाई है, तो 16×5 आपका 800 के आसपास हम लोग ने 800 mm ओवरलैपिंग की है। फिर हम लोगों की कैंटीलीवर की बात की जाए तो चलिए कैंटीलीवर में बात करते हैं। कैंटीलीवर हमारा 5 फुट निकला है, जितना कैंटीलीवर निकलता है उसी का जो है 2.5 गुना जो है अंदर लेते हैं। तो 2.5 क्यों, हम लोग ने इस पर 4 गुना ले लिया है अंदर। इसकी बीम देखेंगे तो ये देखिए ये 5 फुट निकला है, तो यहाँ से जो है 2.5 गुना जो है हम लोग ने अंदर इसको डाला हुआ है। तो उससे जो है हम लोग का जैसे 5 है तो 5 का 2.5 गुना होता है 12, तो 12 फिट से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग ने कंप्रेशन एरिया में ज़्यादा सरिया डाला है, टेंशन एरिया में कम डाला है। आप यहाँ पे भी देखिए ओवरलैपिंग
हम लोगों ने कॉलम के ऊपर दे दी है जिससे कि जो है परेशानी ना आए, जॉइंट्स में भी ना आए। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, आप ये देखिए डेवलपमेंट लेंथ है हमारा, डेवलपमेंट लेंथ जो कि 40D है डेवलपमेंट लेंथ। और अब बात करें शटरिंग की, तो शटरिंग में पहले हम लोगों ने इसके बॉटम बांधे।